आखिर क्यों अनसोल्ड हुए ये 10 बड़े प्लेयर्स। नीलामी के बाद आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे उन 10 बड़े प्लेयर्स की लिस्ट जो कि ऑक्शन में नहीं बिक सके। साथ ही दोस्तों कारण भी बताएंगे कि आखिर क्यों इन 10 नामी गिरामी प्लेयर्स को नीलामी में खरीदार नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते, पहला बहुत बड़ा नाम जो कि नीलामी में नहीं बिक सका वो है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ दोस्तों 2 करोड़ रुपयों की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन का हिस्सा थे। नीलामी से पहले कुछ सोर्सेस ये बोल रहे थे कि हो सकता है ये 3-4 करोड़ रुपयों में बिक जाए, लेकिन दोस्तों 3 बड़े कारण थे जिसके चलते स्टीव स्मिथ नहीं बिक सके। पहला बड़ा कारण जिसके चलते स्टीव स्मिथ पर बोली नहीं लगी वो है भैया ये जो नीलामी थी ये सेंट्रिक थी, तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर की। इस नीलामी में बल्लेबाजों की डिमांड ही नहीं थी और क्योंकि स्टीव स्मिथ एक विदेशी बल्लेबाज थे टीमों ने भाव नहीं दिया। हमने पूरी नीलामी में देखा कि अगर कहीं ज्यादा पैसा बरसा है तो या तो तेज गेंदबाज पर बरसा है, हर्षल पटेल हो गए, अलजारी जोसफ हो गए, स्टार्क हो गए, कमिंस हो गए, तो तेज गेंदबाज की डिमांड थी नीलामी में और मैंने नीलामी से पहले ही आपसे ये बात बोल दी थी। और दूसरा अगर कहीं पैसा बरसा तो ऑलराउंडर पर बरस गया क्योंकि टीमें रिटेंशन की प्रोसेस में ऑलरेडी अपने बड़े तरीन विदेशी और देसी बल्लेबाजों को रिटेन कर चुकी थी, स्टीव स्मिथ पर भाव नहीं लगा। दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों रीसेंट फॉर्म स्टीव स्मिथ का काफी एवरेज रहा है और इंडियन प्रीमियर लीग में उस तरह का प्रदर्शन अभी तक ऐतिहासिक रूप से इनके बल्ले से आता हुआ देखा नहीं है। और कप्तानी विकल्प की भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर टीम के पास अपना कप्तानी ऑप्शन है तो किसी को ऐसी बहुत बड़ी जरूरत नहीं थी। और अगले साल क्योंकि मेगा ऑक्शन आ ही रहा है तो टीमों ने अपने प्रीवियस कैप्टन के साथ कंटिन्यू रहना ही सही समझा। दैट्स व्हाई भैया स्टीव स्मिथ 2 करोड़ में थे, चाहती टीमें तो 3-4 करोड़ में खरीद सकती थी, किसी ने नहीं खरीदा। हालांकि भैया यहां पर एक कैच है, दरअसल दोस्तों स्टीव स्मिथ अभी भी अवेलेबल रहेंगे नीलामी के बाद भी, अगर 2024 के आईपीएल में कोई इंजरी होती है और अगर किसी टीम को जरूरत पड़ती तो रिप्लेसमेंट के रूप में इनकी एंट्री होने के काफी ब्राइट चांसेस रहेंगे। स्टीव स्मिथ को बिकना चाहिए था या नहीं बिकना चाहिए था, आप इस पर अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा नाम जो कि इस बार नहीं बिक सका वो है ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलवुड, तेज गेंदबाज हेजलवुड 2 करोड़ रुपयों में नीलामी का हिस्सा थे। वैसे तो भैया इन्हें 10-12 करोड़ रुपए में बिक जाना था लेकिन कई सारे रीजन थे जो हेजलवुड के सामने आ गए थे। पहली बड़ी चीज दोस्तों यह है कि आरसीबी की टीम इन्हें रिलीज नहीं करना चाहती थी, लेकिन भैया आरसीबी को मजबूरन इन्हें रिलीज करना पड़ा था रिटेंशन प्रोसेस में 1 महीने पहले क्योंकि ये अप्रैल के महीने में उपलब्ध नहीं रहेंगे, इनकी जो एंट्री होगी वो होगी मई के महीने में। तो जाहिर है सिर्फ 1 महीने ही ये खेलने वाले थे आईपीएल और इसलिए टीमों ने भाव नहीं दिया क्योंकि अगर आप आधे आईपीएल में उपलब्ध ही नहीं रहोगे तो आप पर पैसा लगाने का कोई मोटिव बनता नहीं है। देखो यार नीलामी से पहले हेजलवुड ने क्लियर कर दिया था, दैट्स व्हाई उन पर बोली नहीं लगी। कई अंग्रेज खिलाड़ियों ने भी क्लियर कर दिया था कि वो नहीं खेलेंगे, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बंदिशें लगाएगा, इसलिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं बरसा। और सेम गोज टू हेजलवुड, हेजलवुड का कारण वो खुद थे, दैट्स व्हाई भैया उन पर बोली नहीं लग सकी। अब आप बताना दोस्तों कि क्या 1 महीने के लिए इन पर 2-5 करोड़ रुपए लग जाना सही था या गलत था, इनके नहीं बिकने पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरे बड़े प्लेयर जो नहीं बिके वो है न्यूजीलैंड के टिम साउदी, 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में एज ए तेज गेंदबाज टिम साउदी नीलामी का हिस्सा थे, लेकिन इन पर भी किसी ने भाव बोली नहीं दी। इनका कारण भी स्पष्ट है, दरअसल दोस्तों साउथी के नहीं बिकने का कारण यह है कि ये कभी भी इंडियन प्रीमियर लीग में किसी भी टीम में प्राइमरी तेज गेंदबाज बन ही नहीं पाए हैं, या अगर किसी टीम में पहले भी बिके हैं तो ये सेकेंडरी पेसर की भूमिका ही निभाते हैं, मोस्टली ये बेंच को ही सेकते रहते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तेज गेंदबाज ये बड़े अच्छे हैं लेकिन जो 4 फॉरेन प्लेयर रूल है उसके चलते हर टीम एक ही विदेशी तेज गेंदबाज हर मैच में अगर खिलाती है तो खिला पाती है, और ऐसी स्थिति में टिम साउथी के मौके पहले भी कभी बनते नहीं थे क्योंकि ये कभी प्राइमरी विकल्प बन नहीं पाए, इसीलिए नीलामी में भी किसी भी टीम की प्राइमरी लिस्ट पे ये थे ही नहीं। और क्योंकि स्टार्क हो गए, कमिंस हो गए, हर्षल पटेल हो गए, इतना पैसा ऑलरेडी बह चुका था, इन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। दैट्स व्हाई भैया न्यूजीलैंड का ये अच्छा तेज गेंदबाज अनसोल्ड हुआ है। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इनकी वापसी होगी, अगर कोई विदेशी तेज गेंदबाज चोटिल होता है 2024 के आईपीएल में तो फिर साउथी एज ए रिप्लेसमेंट आने वाले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथा बड़ा नाम जो नहीं बिका बताएंगे, लेकिन उससे पहले आईपीएल की एक एक खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोस रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे है दोस्तों। हर एक रिपोर्ट आईपीएल 2024 की, आगे इन प्लेयर्स का क्या होगा, रिप्लेसमेंट क्या हो रही है, आगे ट्रेडिंग विंडो की क्या बात चल रही है, सब कुछ हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोस रहे हैं और आगे भी परोसेंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन दबा लो। चलिए
दोस्तों चौथा बड़ा नाम जो नहीं बिका वो है वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर। 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के साथ होल्डर नीलामी में आए थे एज ए ऑलराउंडर। उम्मीद थी कि जेसन होल्डर पर बोली लगेगी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि होल्डर टीमों की रडार पर रहेंगे क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, आपको 4 ओवर की मीडियम पेस प्रोवाइड करते हैं और फिनिशिंग टच प्रोवाइड करते हैं। लेकिन होल्डर के खिलाफ जो बात नीलामी में गई वो ये थी कि इनका प्रदर्शन आईपीएल में कभी दिखा ही नहीं है, ये किसी भी सीजन में कभी भी नहीं चले। तो होल्डर क्योंकि कभी चले ही नहीं थे भाई, एक सीजन हो गया, दो सीजन हो गया, अब आए 4-5-6 सीजन से आप चलोगे ही नहीं तो कोई टीम क्यों भाव देगी। तो वही हुआ, इनकंसिस्टेंटली और लगातार आउट ऑफ द फॉर्म आईपीएल में रहना इनके खिलाफ चला गया, दैट्स व्हाई ये बाहर हुए। हालांकि मुझे फिर लगता है कि अगर कोई ऑलराउंडर, विदेशी ऑलराउंडर 2024 के आईपीएल में चोटिल होता है, रिप्लेसमेंट की डिमांड होती है, तो फिर होल्डर जाएंगे और वापसी करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में इनका नहीं बिकना मेरे हिसाब से सही था क्योंकि प्रदर्शन नहीं आया था। बाकी आप बताओ क्या इन्हें बिकना चाहिए था या नहीं बिकना चाहिए था। और अभी तक भैया इन 4 नामों के लिए एक लाइक तो बनता है क्योंकि इनमें से 3 नाम हो सकता है रिप्लेसमेंट के रूप में वापस आ जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वां बड़ा नाम जो नहीं बिका वो है श्रीलंका के कप्तान दशुन शनका। दशुन शनका 50 लाख रुपए की बेस प्राइस के साथ आए थे ऑलराउंडर के रूप में, इन्होंने अपना नाम नीलामी में दर्ज करवाया था। लेकिन इनके नहीं बिकने का कारण इनका औसत होना है, ये बहुत ही औसत खिलाड़ी है, ना बल्ले से प्रदर्शन करते हैं ना गेंद से प्रदर्शन करते हैं। श्रीलंका की टीम में भी इनकी जगह एज ए कप्तान के रूप में ही रही है। तो अभी आईपीएल में ऐसी कोई टीम नहीं थी जिसको ऐसा कोई कैप्टन वैप्टन की जरूरत हो भाई। और दूसरी बड़ी चीज, अगर कोई टीम को जरूरत हो भी कप्तान की तो वो दशुन शनका की तरफ तो कतई नहीं देखेगी इस स्टेज पे आईपीएल में। दैट्स व्हाई भैया जो कप्तानी थी उसकी बहुत सारी टीमों को कोई खास जरूरत नहीं थी और ऑलराउंडर स्किल इनकी काफी ज्यादा औसत रही है, इसलिए 50 लाख में होने के बावजूद भी इन पर किसी ने बोली नहीं लगाई। हालांकि वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन कहे जाते हैं श्रीलंका में क्योंकि एशिया कप इन्होंने जिताया है। बाकी मेरे हिसाब से एक ना एक टीम खरीद सकती थी, मेरे हिसाब से इनका नहीं बिकना मुझे नहीं पचा। मुझे लगता है भाई 50 लाख के थे, 60-70 लाख में कोई टीम खरीद सकती थी और प्रदर्शन उस हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से तो ये दे ही देता बंदा। तो इनके लिए लाइक बनता, हो सकता है वापसी हो जाए इनकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6वां बड़ा प्लेयर जो कि नहीं बिक सका वो है न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल। ब्रेसवेल भी नहीं बिक सके, पिछले साल के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में एज ए रिप्लेसमेंट बीच आईपीएल में एंट्री हुई थी। उससे पहले जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई थी तो खूब चले थे हिंदुस्तान की सरजमी पर। ऑलराउंडर के रूप में 1 करोड़ रुपए में इन्होंने अपना नाम नीलामी में दर्ज करवाया था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि वो जो लास्ट सीरीज हुई थी ना 1.5 साल पहले, उसके बाद से बंदा चले ही नहीं है, ये कहीं भी नहीं चला है। न्यूजीलैंड की टीम से भी की जगह जो है वो खत्म हो चुकी है, इतनी कोई तरजीह अब न्यूजीलैंड की टीम भी इनको नहीं दे रही क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में लगातार इनका ग्राफ गिरता चला जा रहा है। जो पिछली बार रिप्लेसमेंट के रूप में आईपीएल में भी आए थे उसमें भी प्रदर्शन नहीं कर सके थे, क्योंकि प्रदर्शन नहीं आया पिछले आईपीएल में उसके कारण भैया टीमों ने बोली नहीं लगाई। दूसरी बड़ी चीज, अगर ये तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर होते तो इन पर फिर भी 2-5 करोड़ रुपए तक लग जाते, लेकिन क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर है, हमने देखा है भाई नीलामी में स्पिन ऑलराउंडर हो गए, बल्लेबाज हो गए, उन पर भाव नहीं गया। रचिन रविन जैसा ग्रेट बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज भी मात्र 1.8 करोड़ में बिक गया क्योंकि डिमांड ही नहीं थी इस कैटेगरी की, इसलिए भैया इनको वो भाव नहीं मिल सका, दैट्स व्हाई अनसोल्ड हुए हैं। मेरे हिसाब से इनके चांसेस नहीं है किसी भी तरह से अब एंट्री के आईपीएल में। बाकी आप इस पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इन्हें बिकना चाहिए था या नहीं बिकना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां बड़ा प्लेयर जो नहीं बिका नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक डाल दी है। लगभग दोस्तों 67-68,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी परिवार का हिस्सा फ्री में बन जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर, क्योंकि आईपीएल की एक एक अपडेट, हर खबर सबसे पहले पर्दे के पीछे क्या चल रहा है जो यूट्यूब पर नहीं बता सकते वो टेलीग्राम पर बता देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देर मत करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वां बड़ा नाम है साउथ अफ्रीका के वैंडर डसन। डसन के ऊपर बोली नहीं लगी, बल्लेबाज के रूप में 2 करोड़ रुपए में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया था। सबसे पहले तो ये थोड़े से महंगे थे, 2 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता डसन के लिए सही अमाउंट था। अगर ये 1 करोड़ में अपना नाम दर्ज करवाते तो बिक सकते थे। दूसरी बड़ी चीज, जैसा कि मैं आपसे बोल चुका हूं, नीलामी में डिमांड थी तेज गेंदबाजों की या तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर्स की। जो मेन पैसा नीलामी में बरसा है आप उठाकर देख लो, स्टार्क, कमिंस, हर्षल पटेल हो गए, अंजारी जोसफ हो
होगा, स्पेंसर जॉनसन होगा, ये सारे तेज गेंदबाज थे। तो तेज गेंदबाजों की डिमांड थी, बल्लेबाजों की डिमांड नहीं थी, इसलिए स्टीव स्मिथ भी नहीं बिके, इसलिए भैया ये भी नहीं बिक पाए। मुझे लगता है अगर मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ के साथ भी डसन जाएंगे ना तो वो बिक सकते अगले साल मेगा ऑक्शन है, लेकिन अभी क्योंकि छोटी नीलामी थी इन्हें अपनी थोड़ी प्राइस कम कर जाना था, ये बिक सकते थे क्योंकि प्राइस ज्यादा थी, टीमों ने भाव नहीं दिया। ये मेरी राय, बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में इन्हें बिकना चाहिए था या नहीं बिकना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवां बड़ा नाम जो कि नहीं बिक सका वो है भैया ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस इंग्लिश ने 2 करोड़ रुपए अपनी वैल्यू रखी थी। मेरे हिसाब से इनके नहीं बिकने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था, इनकी वैल्यू थोड़ी सी हाई थी। अगर ये 50 लाख से 1 करोड़ रुपए में अपना नाम डालते तो टीमें इन पर जरूर भाव देती। आपका बेशक वर्ल्ड कप में प्रदर्शन आया है, ठीक औसत एवरेज अबव एवरेज प्रदर्शन आया है, लेकिन आप उसके दम पर 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइज नहीं रख सकते वो भी आईपीएल जैसी लीग में। दूसरी बड़ी चीज, विकेट कीपर विदेशी बल्लेबाजों की उतनी डिमांड नहीं थी। देखो यार, डिमांड की कैटेगरी पेसर्स थे, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, और इंडियन विकेट कीपिंग बल्लेबाज थे। तो क्योंकि ये इंडियन विकेट कीपिंग बल्लेबाज नहीं है, विदेशी विकेट कीपर बल्लेबाज है, विदेशी विकेट कीपर बल्लेबाज काफी डेंजरस काइंड ऑफ कैटेगरी होती है, क्योंकि अगर वो प्लेयर चल भी जाए तो भी आपको प्लेइंग 11 में उसको खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि वो आपका विकेट कीपर भी होता है, और अगर वो अचानक से फ्लॉप हो जाए तो फिर आप उसको प्लेइंग से निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर विकेट कीपिंग की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि 4 फॉरेन प्लेयर रूल है, विकेट कीपर विदेशी बल्लेबाज इज अ रिस्की कैटेगरी, बेस प्राइस इनकी काफी हाई थी, इसलिए ये नहीं बिक सके। आप बताओ बिकना चाहिए था या नहीं, कमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौवा बड़ा नाम जो कि नहीं बिक सका वो है सरफराज खान। भारत के सरफराज खान अनकैप्ड प्लेयर ऑलराउंडर के रूप में 20 लाख रुपए में नीलामी का हिस्सा थे, खरीदार नहीं मिला। इसके 2-3 बड़े रीजन है, आईपीएल में फॉर्म प्रदर्शन अमूमन हर साल ही खराब रहता है। एक जमाना था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने सरफराज खान को रिटेन किया था, और उस समय आरसीबी ने मात्र 5 प्लेयर्स रिटेन किए थे, जिसमें 5th रिटेंशन इन्होंने सरफराज खान को दी थी। मतलब आज से 6 साल पहले आरसीबी इनको भविष्य का सुपरस्टार देखती थी, लेकिन इन लास्ट 4-5-6 सालों में इन्होंने बता दिया है कि इनके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है। ऑलराउंडर के रूप में नाम था, गेंदबाजी उस तरह से करते नहीं है, तो भैया मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक बल्लेबाज और फिनिशर है, बाकी इन्होंने ऑलराउंडर के रूप में अपना नाम क्यों डाला ये तो यही जानते हैं। नहीं बिके, रीजन स्पष्ट था, प्रदर्शन नहीं था। बिकना चाहिए था या नहीं, आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में। 10वां बड़ा नाम जो बेका नीलामी में भैया वो है न्यूजीलैंड के जिमी नीशम। जिमी नीशम 1.5 करोड़ रुपए में ऑलराउंडर के रूप में नीलामी में आए थे। आप बोलोगे यार ये तो तेज गेंदबाजी मीडियम पेस ऑलराउंडर थे, इन पर बोली क्यों नहीं लगी? तो इन पर बोली नहीं लगने का कारण जिमी नीशम खुद है। इंडियन प्रीमियर लीग में जब आप इनके आंकड़े उठाकर देखेंगे इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। हाँ, अगर ये 50 लाख रुपए में अपना नाम डालते तो ये बिक जाते, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए की बेस प्राइस जस्टिफाइड ही नहीं थी जिमी नीशम के लिए, क्योंकि ये कभी प्रदर्शन किए ही नहीं है आईपीएल में। एक दो मैच छोड़ दो तो इनका पूरा आईपीएल करियर ही बिल्कुल बेसिक सा रहा है, दैट्स व्हाई भैया इन पर बोली नहीं लगी। ये थे 10 बड़े नाम जो कि हो गए अनसोल्ड। अब आप बताओ दोस्तों इनमें से किस पर बोली लगनी थी, किसकी होगी वापसी आईपीएल में एज ए रिप्लेसमेंट? अपनी राय, कारण, सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो सब्सक्राइब, और बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ, लाइक शेयर जरूर करना।